हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पापिया व्लॉग्स। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पापिया व्लॉग्स में प्यार भरा स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई वुड शेयर इजी एंड क्विक वे टू बेक पोटैटोज इन माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में जल्दी और आसान तरीके से आप आलूओं को कैसे बेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने आलू लिए हैं। ये रॉ पोटैटोज हैं जिसको मैंने बेक करने के लिए तैयार रखा है। तो ये जो रॉ पोटैटोज है, बेक होने के बाद, अच्छे से बेक होने के बाद कुछ इस तरीके से देखेंगे, वो ऑटोमेटिकली क्रैक हो जाएंगे और ये ही अच्छे बेक्ड आलूओं की निशानी है। तो आइए चले इसके प्रोसेस में। सो लेट्स सी द प्रोसेस टू मेक बेक्ड पोटैटोज इन माइक्रोवेव। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको दोनों ही तरीके के आलूओं को बेक करना बताऊंगी। कुछ रॉ पोटैटोज लिए हैं और कुछ मैंने बॉयल पोटैटोज लिए हैं। तो इनके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो इसमें कुछ पेपर पाउडर, कुछ सॉल्ट पाउडर, कुछ रॉ पोटैटोज लिए हैं, साथ ही साथ कुछ बॉयल पोटैटोज, क्योंकि बॉयल पोटैटोज को बेक करेंगे तो एक बहुत ही स्मोकी फ्लेवर आता है। कुछ ऑयल लिया है, तो अराउंड 1 टेबलस्पून ऑयल लेके हम पहले ऑयल को पूरे पोटैटोज में अच्छे से ऊपर नीचे इसको ब्रश कर देंगे। और ध्यान रखिएगा, जो ऑयल है वो पोटैटोज के चारों तरफ अच्छे से अप्लाई होने चाहिए। सो फर्स्ट वी अप्लाई प्लेन ऑयल इन द पोटैटोज, द रॉ पोटैटोज एंड द बॉयल पोटैटोज आई हैव टेकन टू बेक, because the boiled potatoes gives a very nice rustic smoky flavor. However, the cooking time of raw potatoes is obviously more than the boiled potatoes. So boiled potatoes I have just taken just for the smoky flavor, and now I am sprinkling some salt and pepper powder. तो थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर ऑयल लगाने के बाद, आलूओं में तेल लगाने के बाद हम छिड़क देंगे। फिर हम माइक्रोवेव को प्री हीट कर लेंगे 1 मिनट के लिए। ये देखिए, मैंने 1 मिनट के लिए प्री हीट कर दिया। अब जब प्री हीट हो गया है तो मैं पोटैटोज़ को एक कंटेनर में रख के बेक करने के लिए रख दूंगी। तो जो रॉ पोटैटोज़ हैं वो साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। बड़े साइज़ के पोटैटोज़ ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो 5 मिनट्स ऊपर एंड 5 मिनट्स दूसरे साइड में पलट पलट के हमें बेक करना है। बेक करने के बाद ये पोटैटोज़ कुछ ऐसे दिखेंगे, अपने आप क्रैक हो जाएंगे। और इन पोटैटोज़ को आप इस तरीके से एज अ स्नैक रेसिपी यूज़ कर सकते हो। बेक पोटैटोज़ को आप चारों ओर से काट के फिर आप कुछ चीज़ अंदर डाल के, चीज़ अपने आप मेल्ट हो जाएंगे, कुछ कोरिएंडर, कुछ सॉल्ट पेपर डाल के आप ऐसे इवनिंग स्नैक्स ले सकते हैं चाय के साथ। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा था कि स्मोक्ड बेक पोटैटो, जो कि मैंने बॉयल्ड पोटैटोज़ को जब बेक किया तो वो कुछ ज़्यादा ही और भी ज़्यादा स्मोकी फ्लेवर देते हैं, वो जो आप चीज़ के साथ और कुछ सॉल्ट पेपर के साथ सर्व कर सकते हो। और कुछ बेक पोटैटो सलाद भी बना सकते हो, सलाद विथ स्लॉ एंड कुछ मेयोनीज और टोमेटो सॉस, कुछ ऑलिव्स एंड कुछ ऑनियंस डाल के, कुछ हर्ब्स डाल के आप एज ए इवनिंग स्नैक ले सकते हो। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।